الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير क्वेश्चन नंबर 9 आज हमें करना है وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا और मैंने उसको आपके दरमियान भी क्या ठहरा दिया हराम ठहरा दिया है। जाला जो है जाला हुना मिन अफ़आल तहवील ये अफ़आल तहवील में से है ये किस में से है अफ़आल तहवील में से है हाँ बिल्कुल अफ़आल तहवील में से तो अफ़आल तहवील मीन्स कि आपने क्या नाम है वैसे वहां लिखा हुआ है वही बेमाना सैयरा यानी किस माने में है सैयरा के माने में सैयरा के माने में है हाँ ये तो सैयरा के माने में है सैयरा के माने में है तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि जिसको हम कहेंगे किसी चीज को कोई और चीज बना देना किसी चीज को या टू कॉज समथिंग टू बी और बिकम समथिंग किसी चीज को कोई चीज बना देना सैयारा मीन्स गैयारा बना देना इसको इसको तहवील कर देना इसकी इसको 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 चेंज कर देना इसको कुछ और बना देना जी सर ये तो एक माने हो गया किसका जाला का पहले आप नोट कीजिए जाला के चार माना आते हैं कितने माना चार माना आते हैं एक तो हम ये पढ़ रहे हैं फिलहाल हम इसको जरा गौर से पढ़ेंगे तो तनसिबु मफूलाइन दो मफूलों को नसब देता है असलुहुमा मुब्तदा व खबरुन उनकी असल क्या होती है मुब्तदा और खबर खबर यानी ये जुमला इस्मिया पर दाखिल होता है अपने फाइल के साथ और उस मुब्तदा और खबर को अपने दो मफूल बनाकर उनको नसब यानी मंसूब बना देता है, है। नाउ जैसे अल खमरु हरामुन खमर हराम है खमर मीनि शराब शराब हराम है जअलल्लाहुल खमरा हरामन अल्लाह ने बना दिया खमर को हराम अब अल खमरु हरामन जो है दोनों जगह आप देखेंगे इसके ऊपर नसब नसब है इसके ऊपर क्या है नसब नसब तो असल में ये मुब्तदा खबर थे तो इसने मुब्तदा और खबर को आप मुब्तदा को अपना पहला मफूल बना दिया खबर को अपना दूसरा मफूल बना दिया हाँ जाला जअलल्लाहुल खमरा हरामन इसने खमर को हराम बना दिया तो यहाँ क्या कर दिया ये जो है खमर जो है इसकी इसकी नवियत क्या थी अब अल्लाह ने इसकी नवियत ही चेंज कर दी अल्लाह ने इसको कुछ और बना दिया ये तो आपके लिए हराम है इसकी एक मिसाल हम ऐसे भी कह सकते हैं मिसाल के तौर पर हम कहेंगे हाजी अल गुरफतु ये कमरा दुकानुन एक दुकान है हाजी अल गुरफतु दुकानुन ये दुकान है ये कमरा क्या है यानी मैं अपने मकान का एक कमरा जो है आपको दिखा रहा हूं मैं कह रहा हूं ये कमरा दुकान है अब मैं इसका शटर वगैरह लगाऊंगा और दुकान में दूसरा ये है कि سأجعل هذه الغرفة دكانا मैं इस कमरे को चेंज करूंगा किस में दुकान में दुकान में चेंज कर दूंगा यहां तो ये माना ज्यादा अच्छी तरह आपको समझ आ जाएगा इस सेंटेंस में जी सर यानी इसको मैं चेंज कर दूंगा मैं इसे कुछ से कुछ और बना दूंगा سأجعل هذه الغرفة دكانا मैं इसको दुकान बनाऊंगा ये क्लियर हो गया एक माने जी सर हाँ तो सैयरा मीन्स बना दिया या बनाना अगर हम मजदूरी माने में कहेंगे किसी चीज से कुछ किसी चीज को कुछ और बना देना कमरे एक कमरे को दुकान में चेंज कर देना शाबाश तो आगे बढ़े जी सर चलिए ये तो एक माने हो गए अब आइए पहले इसी माने के हवाले से कुरान की कुछ मिसालों को जरा देखते हैं वह फिर तंजील कुरान पाक में है अलम ताराव
didn't they see, क्या उन्होंने नहीं देखा, कैफ खलकल्लाहु, अल्लाह ने कैसे पैदा किया, सब असमावातिन, सात आसमान, तिबाका मीन्स एक के ऊपर दूसरा, यानी लेयर्स में, तह दर तह, तबक दर तबक, ठीक है ना, शाबाश। व और जाला बना दिया अल कमर फी हिन्ना, इन आसमानों में बना दिया चांद को, क्या बना दिया उसको, नूरन, लाइट बना दी। व और अशम्सा, जाला बनाया अशम्सा आप सूरज को, सिराजन एक चराग, एक चराग किया, हाँ, इस चूंकि इस आयत का माने सही तौर पे क्या है वो तो आप तफसीर की किताबों में देखेंगे, यहां तो मैं बस सिर्फ इसके ग्रामेटिकल पोर्शन पे कर रहा हूं, जिक्र बात कर रहा हूं। दूसरी मिसाल देखिए, वल्लाहो, और अल्लाह ने जाला बनाया लकुम तुम्हारे लिए अल अर्दा जमीन को, बिसाता, बिसाता क्या, फर्श, बिसाता फर्श बना दिया, समझ रहे हैं आप, यानी जमीन को क्या बना दिया आपके लिए, फर्श बना दिया आपके लिए। नंबर तीन, वलौ शा अल्लाह, अगर अल्लाह चाहता, लजअलन्नास, तो वो लोगों को बनाता, उम्मतन वाहिदतन, एक ही उम्मत, जी सर, एक ही उम्मत बना देता, लेकिन अल्लाह ने उसको नहीं बनाया, तो लोग अलग है, तो उनकी उम्मत, उनको एक ही उम्मत, किस एतबार से, यानी सारे लोग एक ही तरह, जैसे फरिश्ते एक उम्मत है, मतलब मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता हूं वो एक उम्मत है नहीं है, मैं समझा नहीं, उनको उनके लिए एक 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 आम बात जो अल्लाह ने कही है, क्या, या फलू मायू मरून, या फलू ना मायू मरून, वो करते हैं जो उनको हुक्म दिया जाता है, तो इस एतबार से वो एक ही उम्मत है, एक ही जमात है, तो अगर अल्लाह चाहता तो हमको भी ऐसा ही बनाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं बनाया, चाहा, ऐसा नहीं बनाया। इसी तरह जमीन तो जमीन है, अल्लाह ने उसको हमारे लिए क्या बना दिया, फर्श बना दिया, सूरज, ये सॉरी आफ्ताब और चांद तो आफ्ताब और चांद थे, लेकिन उनको अल्लाह ने नूर के लिए और एक एक, एक, एक मिसबाह, एक, एक, एक ये बना दिया, एक, एक लैंप बना दिया, यहाँ पे सैयारा के माने में गैयार, उसको चेंज कर दे, ये नहीं कि उसकी वो माहियत ही चेंज कर दे, यानी आप सूरज को कमर बना दिया, यानी चांद बना दिया, चांद को सूरज बना, ऐसा नहीं, वो उस माने में है कि उनसे ये काम लिया कि उनको सिराज बना दिया, उनको इसको आफ्ताब को एक, 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 एक चिराग बना दिया, लैंप बना दिया, और कमर चांद को इनमें क्या बना दिया, बतौर एक नूर, लाइट बना दी। अब दूसरे माने में देखिए, यहां से दूसरा माने शुरू होगा, किसका, जाला का, वताती जाला बिमाना जन्ना, और जाला किस माने में आएगा, दूसरा माने जन्ना के माने में है, जाला किस माने में आएगा, जन्ना के माने में आएगा, वही मिन अफआल रुझान, और ये अफआल रुझान में से है, जी सर, ये अफआल रुझान में से, रुझान में से है, ना जैसे वजालू अल मलाइकता, उन्होंने बना दिया मलाइका को, अल्लजीना जो है, यानी मलाइका जो है, हम इबादुर रहमान, वो अल्लाह के बंदे हैं, उनको बना दिया क्या, इनासा, यानी इन काफिरों ने, मुशरिकों ने, उन्होंने अल्लाह के फरिश्तों को समझा कि वो अल्लाह की यानी बेटियां हैं, किसी और जगह है बेटियां हैं, यह मुराद है इनासा मीनस मोनस, और उनको औरत बना दिया, मोनस बना दिया, वो समझते हैं फरिश्ते जो है मोनस है, समझ रहे हैं, यहां जो है इसको आप कहेंगे कि एक इस माने में आएगा कि टू थिंक के माने में, टू डीम, हाँ, ही डीम्ड देम एज द एज फीमेल्स, दे डीम्ड द एंजल्स एज फीमेल्स, एज फीमेल्स, या दे थॉट दैट द एंजल्स आर फीमेल्स, फीमेल्स, शाबाश। यहां भी आप देखिए, यहां भी
جعل جو ہے اس نے دو 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 منصوب اس نے لگا دیے, دو مفعول, ایک تو الملائکۃ اور دوسرا اناسا, دوسرا مفعول. کلیئر ہو رہا ہے نا؟ جی سر, جی سر. اسی طرح اس کو آپ ایک دوسری مثال ذرا لکھیے, اس کو, اس مثال کو آپ سمجھ لیں گے کیونکہ آپ نے بہت پڑھا ہے, تو حدیث میں بھی آیا ہے ایک جگہ, لیکن حدیث میں دوسرے الفاظ ہے, میں یہاں دوسری چیز بنا دوں گا. آپ فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہے, آپ جا رہے ہیں پرنسپل کے پاس, پرنسپل سے ملنے کے لیے, وہاں پرنسپل نہیں ہے, وہاں کوئی اور استاد تھے, تو آپ کو پرنسپل کے مطلب سائن چاہیے تھا کسی فارم پر, تو آپ نے آپ استاد آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی پرنسپل یہاں نہیں ہے, کل آ جانا, تو آپ کہہ رہے ہیں سر اب آپ ہی کیجئے, تو وہ بندہ آپ کو عرب کیا, آپ مجھے پرنسپل سمجھ رہے ہیں, تو آپ نے مجھے پرنسپل بنا دیا کیا؟ تو اس کو عربی میں لکھیں گے جعلتنی مدیرن, نوٹ آف انٹروگیشن کے ساتھ, حمزہ جعلتنی مدیرن, یعنی ہیو یو میڈ می اے ہیڈ ماسٹر, ہیو یو میڈ می اے پرنسپل, آپ نے مجھے پرنسپل بنا دیا. اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے, ڈو یو تھنک دیٹ آئی ایم اے پرنسپل, ڈو یو تھنک دیٹ آئی ایم اے پرنسپل, آپ کو لگ رہا ہے کہ میں پرنسپل ہوں, تو میں اس پہ آپ کے اس کاغذ پہ سائن کر دوں. اسی طرح ایک حدیث میں آیا ہے, آپ مجھے کریکٹ کریں گے اگر میں صحیح الفاظ نہیں بتا سکا, ایک جگہ ایک شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آتا ہے تو وہ اس سے کچھ بات کرتے ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ سوال پوچھا کہ یہ بھائی اس مجھے یہ بتاؤ اس چیز کے میں, تو اس نے کہا اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ اچھا جانتے ہیں. شاید اسی پر اللہ کے رسول نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا, تو تم نے مجھے اللہ کا ہمسر بنا دیا, ندن مینز ہمسر, ایکوال, پارلل, تو کیا آپ نے مجھے اللہ کے برابر بنا دیا, اجعلتنی للہ ندا. جی سر. اجعلتنی للہ ندا, کیا تم نے مجھے اللہ کا ہمسر بنا دیا, اللہ کا یہ بنا دیا, کیا نام ہے, ایکول بنا دیا, یعنی مطلب یہ کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اللہ کے برابر ہوں, تو آپ نے اس معاملے کا جواب دیا کہ اللہ و رسول عالم. ٹھیک, اتھ پیٹ کشر تھی ونان اہر کرنا گس خدا تو خدا سند رسول حوال, نیر خدا تو خدا سند رسول کری رچ. ٹھیک, یہ تو یہاں تو مطلب ایک ایسی بات, ایک ایسی دعا کرتے ہیں ہم جہاں تو جہاں جو صرف ایک مطلب ڈومین ہے اللہ کا, رسول کا ڈومین نہیں ہے وہ, روش کرن یا کیا تھا حفاظت کرن وغیرہ, یہ تو صرف اللہ کر سکتا ہے. جی سر. تو ان دو معنی میں آئیے گرامر کی طرف واپس, جعل بہذین المعنیین, ان دو معنوں میں جعل جو ہے من اخوات الظن, یعنی دونوں میں اخوات الظن میں سے, یعنی جب آپ پڑھیں گے زنہ واخوات ہو, انشاءاللہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں آپ کو الگ سے پڑھاؤں گا زنہ واخوات میں, ہم انشاءاللہ اس کو تفصیل سے زیادہ تفصیل سے پڑھیں گے, یہاں تو ہم اس کو ایک مطلب ایک زیادہ ایڈوانس لیول کا نہیں پڑھ رہے ہیں زنہ واخوات, کیونکہ اس سے پہلے ہم نے زنہ پڑھا اور زنہ کے بعد ہم نے ایک دوسری چیز پڑھی, وہ کیا تھا جس کو ہم نے کہا یہ بھی کیا ہے, زنہ کی بہن ہے. کیا باش, کسی کو یاد ہے؟ اپنی کاپی کو چیک کرو اگر آپ کو آپ کے پاس یہ ہے. شاباش, جن کے پاس کتاب ہے وہ پیج نمبر 207 کوشچن نمبر 7 دیکھیں گے, ارا کا ضعیفن, را حاجی بیمانا علما و تسمى را القلبیہ, یعنی را القلبیہ جو ہے تنصب را القلبیہ مفعولین اصلهما مبتدا و خبر مثل زنہ, یہ زنہ کی طرح مثل زنہ, یعنی زنہ کی طرح, تو یہ را بھی آ گیا اس میں, اور آج ہم دوسری چیز پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے کیا,
जाला, तो जब हम जन्ना वाखवा तो पढ़ेंगे तो वहां हम इसको इंशाल्लाह मजीद वाजिया तरीके से पढ़ेंगे, फिलहाल आप इसको याद रखिए। जन्ना और इसकी बहनें जो है ये फिलहाल जो आज तक हमने पढ़ी ये दो मफूलों को जबर देती हैं, यानी इसको दो मफूल चाहिए, ठीक। और उन दो मफूलों की असल हकीकत होती है क्या, वो मुब्तदा और खबर होती है। हाँ ये दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो मुब्तदा और खबर होते हैं, जैसे आपने यहाँ देखा कि इनके इनकी असल जो है मुब्तदा और खबर होती है। शाबाश। अब तीसरी चीज देखिए जाला के बारे में, वतकून अयज़न मिन अफ़ाली शुरू, या अफ़ाली शुरू में से भी है, अफ़ाली शुरू में से है, अफ़ाली शुरू में से ये होगा, माने के जैसे हम कहते हैं वो ये काम करने लगा, he began to do it, he started to do it, he began to do it, he started to do it, वतअमलु हीना इज़न अमलकान, और उस वक्त ये कौन सा काम करती 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 है, ये करता है ये जाला, काना का अमल करता है, काना। नाउ जाला हामिदुन यज़रिबुनी, हामिद मुझे मारने लगा, हामिद मुझे मारने लगा, हामिद मुझे मारने लगा। नाउ जाला, जाला का माने यहां कि करने लगा ये काम, असल सेंटेंस है हामिद यज़रिबुनी, हामिद मुझे मार रहा है, लेकिन जब आपने इससे पहले जाला लिखा तो इसका मतलब शुरू किया उसने ये काम करना। आप कहते हैं या उस्ताद जाला हामिद यज़रिबुनी, सर हामिद मुझे मारने लगा, जाला हामिद याकुलु ताम, हामिद खाने लगा, जाला हामिद यशरबु अल 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 असीरा, हामिद जूस पीने लगा, वगैरह वगैरह। वक़्त मर्रत बेका फी दौर सिम साबिक, पिछले सबक में गुजर चुका है अमला काना वगैरह। वताती बिमाना औजदा, और चौथा माने जो है वो है औजदा के माने में, किस माने में औजदा, औजदा मीन्स टू क्रिएट, औजदा मीन्स टू क्रिएट, टू क्रिएट पैदा करना। वही फ़ालुन तामुन, और यहां तो ये फ़ाल ताम है भाई, यहाँ तो ये फैले ताम है। वतनसिबो मफूलन वाहिदन, और एक ही मफूल इसको चाहिए, यहाँ यहाँ इसको दो मफूलों की जरूरत नहीं है। शाबाश। आप याद रखिए जाला ऊपर जो आपने काना के बारे में पढ़ा, यहाँ भी आपने देखा कि क्या नाम है, यहाँ भी असल अगर जाला हटा देंगे तो एक सेंटेंस पूरा रहता है, हामिदुन यज़रिबुनी, हामिद मुब्तदा है, यज़रिबुनी इसकी खबर है। लेकिन औजदा के बारे में देखिए क्या है, ये एक ही मफूल को नसब देगा, कमा फी कौली ताला, जैसे अल्लाह की इस कौल में है, इस कलाम में, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, उस अल्लाह की तमाम तारीफें हैं, उस अल्लाह के लिए तमाम तारीफें है, खालका जिसने पैदा किया अस्समावाति वल अर्ज़, आसमानों को और जमीनों को, ठीक। वजअला, वजअला और बनाया, अज़्ज़ुलुमाति वन्नूर, डार्कनेस और लाइट, उसको बनाया, उसको क्रिएट किया, उसको मेड किया, ही मेड इट। यहां आप देखे किसी को ये शक ना हो जाए कि यहां भी तो दो मफूल है, अज़्ज़ुलुमात और अन्नूर, नहीं ये तो यहां एक ही है, जाला फेल है, इसका फाइल है हुआ यानी अल्लाह, अज़्ज़ुलुमात इसका मफूल भी ही है, वाव जो है हर पे अतफ है, और अन्नूर जो है मातूफ अलज़ुलमात, बहुत अच्छा, मातूफ अलज़ुलमात, बहुत अच्छा। तो कितने माने आ गए, चार माने, चार माने। अब जरा इन चार माने को मद्देनजर रखकर आगे देखिए क्या कह रहा है, अय्यन माना जाला फी मायादी, यहां मैंने चार सेंटेंस लिखे हैं भाई, जरा इन चार सेंटेंस में ये बताइए मुझे कौन सा, किस सेंटेंस में को जाला किस माने में आया है इन चार माने में। नंबर एक पढ़िए डॉक्टर साहब, हाँ डॉक्टर साहब पढ़ें, आपको आवाज आ रही है, हाँ शायद नहीं आ रही है हमको आवाज, तो आप पढ़ें वसीम। जाल अल मुदर्रिसु यश यशरहु दर्स,
बहुत अच्छा. मुदर्रिस ने दरस यानी सबक सबक की तशरीह करने से शुरू की. बिल्कुल, या ने नहीं लिखेंगे, मुदर्रिस दरस की शरह शुरू करने लगा या दरस को एक्सप्लेन करने लगा. तो किस माने में है यहाँ जाल? अफाल शुरू में. हाँ, काना यानी काना में से, उसकी काना की यानी तरह अमल जो करता है, अफाल शुरू में से. नंबर टू, हमारे पास और कौन है? फरत आफ हैं? यस सर. चलो बेटा पढ़ो दूसरी आयत. वजअलनाकुम शुउबन वकबाइला. हाँ, वजअलनाकुम शुउबन वकबाइला, शाबाश, बहुत अच्छा. किस माने में लग रहा है आपको, यानी इसका माने क्या है पहले मुझे बताएं. शाबाश, हमने आपको बना दिया. हमने आपको बनाया. कबीले और शाबुन मीन्स लोग और कबीलों में, यानी मुख्तलिफ कौमों में और मुख्तलिफ कबीलों में आपको बना दिया. तो किस माने में लग रहा है आपको यहाँ जाल आया है? बनाना सर, टू क्रिएट. ना, क्रिएट आएगा अगर वो कहेगा वजअलनाकुम, हमने आपको बना दिया. तो यहाँ तो एक मफूल है कुम, दूसरा मफूल है शुउबन, तो दो मफूल है. अगर हम बनाना कहेंगे तो वहां तो एक ही मफूल आएगा, तो इसलिए कुछ और देखना पड़ेगा. यह आया है सैयरा के माने में, यानी पहला जो हमने पढ़ा, हमने आपको एक चीज से दूसरी चीज में बना दिया. ठीक है, यानी अगर अल्लाह ताला सिर्फ ये कहता था मिसाल वजह अलनाकुम, मैंने आपको बना दिया, तो हम कहते हैं ये तो औजदा के माने में है. ठीक है भाई, क्योंकि एक ही मफूल है. लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इस औजदा के बगैर, यहाँ ये फैले ताम है, इसके बगैर बाकी जगह जो आप देख रहे हैं क्या, वहां तो दो माने जहां है काना के बगैर, वहां आप देख रहे हैं कि भाई दो मफूल आए हैं. यहाँ भी कुम और शुउब दो मफूल आए हैं, तो सैयरा के माने में आया है. चलिए डॉक्टर साहब हैं क्या? जी सर. हाँ, डॉक्टर साहब को आवाज नहीं आ रही शायद. वसीम पढ़ो नंबर थ्री. जाल अल्लाहु अल्हवा वल्मा. बहुत अच्छा, अल्लाह ताला ने हवा और पानी को बनाया. बहुत अच्छा, किस माने में जा रहा है यहाँ? औजदा के माने में. औजदा, क्योंकि एक ही मफूल है अल्हवा. जी सर. बहुत अच्छा, मातु आतफ है, मातु है. नंबर चार, डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है? जी जी, आवाज. मैं तो ऐसे नहीं बोल रहा हूँ. ऐसे बोझ नहीं, हम आपकी आवाज नहीं सुन रहे थे. ठीक. قال المدرس للطالب اجعلتني مديرا. تو مدرس نے شاگرد سے کہا کیا آپ نے مجھے پرنسپل بنایا؟ آپ نے مجھے پرنسپل بنایا. چلیے بہت اچھا بہت اچھا. تو کس معنی میں ہے؟ ظن کے معنی میں. ظن کے معنی میں. چلیے سر بہت اچھا. تو یہ ہے چار, یہ ہے, اس کو ہم انشاء اللہ تعالی الگ بھی پڑھیں گے گرامر میں. तो फिलहाल आप इसको यहाँ इसको मद्देनजर रखिए और इसको जरा फिर भी देखिए. क्वेश्चन नंबर 10 आया है, कफाया. कफाया मीन्स, हम सिंपल ट्रांसलेट करेंगे, माय बैक, यानी मेरी कमर या वगैरह. या उल मुतकल्लिम इसमें है. हमने या उल मुतकल्लिम के बारे में आपने पढ़ा है कि भाई या उल मुतकल्लिम जो है वो हमेशा साकिन होती है. आप कहते हैं किताबी, कलमी, इबनी, अभी, अखी, बिनती, उखती. ठीक है, लेकिन लेकिन कुछ ऐसे जगह है जहां याई मुतकल्लिम के ऊपर जबर आती है. या उल मुतकल्लिम मफ्तूहतुन, ये मफ्तूह होती है. मा इस्मिन, एक ऐसे इस्म के साथ, आखिरहु जिसका आखिर होगा अलिफुन यानी अलिफ, या अव या उन साकिनतानी, या मगर ये दोनों साकिन होने चाहिए. यानी अगर हमजा पर खत्म होगी तो वो नहीं, क्योंकि हमजा जो है मुतहरिक होता है. और अगर या जो है या जबर यानी या पर खत्म होगी तो या भी जबर वाली हो सकती है, जेर वाली, पेश वाली नहीं. अगर या साकिन वाली है तो उस वक्त आप उसको जबर दे देंगे. मिसाल असाया, मेरा असा, असाया. फताया, फताया. हाँ, फताया मीन्स फतह.
शाबाश, ये फता से निकला है ना, फता जवान, हाँ फता, आई मीन मेरे ख्याल से जिसको हम बोलेंगे क्या नाम है, मेरा लड़का है, मेरा माय गाय, हाँ ये भी कह सकते माय गाय, फता है मेरा जवान, मेरा लड़का, ये मेरा है, मतलब ये जो है लड़का कहाँ गया, मेरा लड़का वगैरह। तो तीसरा है दुनिया आया, मेरी दुनिया, मेरी दुनिया, दुनिया आया, शाबाश। और फोर्थ क्या है, यदा आया, यदा आया, यदा आया के क्या माने आएगा, मेरा हाथ, मेरा हाथ या मेरे दो हाथ, मेरे हाथ, दो हाथ, मेरे दो हाथ, यद उन कहते हैं एक हाथ को, यह तो असल में है यदानी, लेकिन जब ये मुजाफ इस्तेमाल होगा तो नून ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि तस्निया का ये सॉरी ये मुसन्ना का ये जो है नून जो है वो मुजाफ होने के वक्त ड्रॉप हो जाएगा, तो बन गया यदा, एलिफेस खत्म हो गया, तो फिर यहाँ आ गए तो पाएंगे यदा आया। जी सर, शाबाश। नंबर फोर आगे है, गसल तो यदैया, इसको हमने पढ़ा था लेकिन हमने उस वक्त कायदा नहीं पढ़ा था, तो याद रखेंगे आप आज के बाद, या उल मुतकलिम को आप मस्तू पढ़ेंगे, यानी जबर के साथ पढ़ेंगे, कब, अगर उससे पहले इसम जो है जो उसकी तरफ मुजाफ होगा, अगर वो क्या होगा, अलिफ और या साकिना ताइन के पर खत्म हो रहा होगा, चाहे वो फिर उससे पहले ओरिजिनल हालत उसकी क्या थी, मिसाल जैसे यदाया है, यदाया है, या यदैया है, ये यदैया भी असल में क्या है, यदैनी, जी सर है ना, असल में यदैनी, फिर है इसके साथ ये याई मुतकलिम, जब यदैनी मुजाफ हो गया किसकी तरफ, याई मुतकलिम तरफ, उसकी नून ड्रॉप हो गई तो बन गया यदई, तो या साकिन है तो इसलिए वो उस याई मुतकलिम के साथ मिला दी गई तो बन गया यदैनी, यदैया, सो यदैया, क्लियर हो गया ये पॉइंट, जी सर। चलिए सर, अब आइए हम क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 11 पर जाते हैं, तमरीन शफवी है ये, यानी ये तो आपको खुद ही करना है, एक बच्चा एक तालिबे इल्म दूसरे से कहेगा मता स्थाई कजता, आप कितने बजे उठे, वो कहेगा और जवाब में जवाब देगा इस तय कज तो फिर सात या अल 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 खामिस आती है, पांच बजे उठा, छह बजे उठा, वमन आई कजक, और किसने जगा दिया, आई कजनी अभी, आई कजनी अखी, वगैरह वगैरह। नंबर 12, हाथी मुजारे अल अफाल अलातिया, इन फेलों के मुजारा बताइए, गलबा, इसकी मुजारा यागलीबो, बहुत अच्छा, हबता, यह भी तो, हाँ बिल्कुल, यह भी तो, हबता यह भी तो, और कसा, यक्सा, ना ये तो है क्या, कसा यक्सु मीनस, ये तो है कि किसके माने, द आयदु के इसमें आता है, अच्छा यक्सु, द आयदु कैटेगरी में, कसा यक्सु मैंने पहनना या पहनाना, फिर है अफ्तर, नहीं यफ क्यों, युफ्तिरो, ये तो ट्रिपल वन कैटेगरी में है, अफ्तर युफ्तिरो, इफ्तार करना, शाबाश। दूसरा है असर, ये भी इसी कैटेगरी से है, युसिर्रो, असर इलैही कौलन, उसको कोई बात सरगोशी में कह दी, खामोश से कह दी, अकुरदा युकरिदो, युकरिदो, बहुत अच्छा, इकुतराजा यक्तरिदो, यहाँ पे मैं आपको फिर वो सवाल में ले लूंगा, तीन फेल पढ़े थे हमने, एक तो होता है इस्तकराजा, यानी कर्जा तलब करना किसी से, दूसरा होता है अकुरजा, कर्जा दे देना, और तीसरा होता है इकुतराजा, कर्जा ले लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, जो आपने हजरत अबू जर की हदीस जो वहां आपने पढ़ी उसमें से जो अफाल आए उनको जरा लिखिए, या आप खुद देखेंगे। क्वेश्चन 14 है, हाथी मुफरद अल हवाइज, हवाइज की मुफरद क्या आती है, हवाइज किसकी जमा है, ना हाजतुन, हाजतुन की जमा आती है हवाइज, और दूसरा है शुरतातुन किसकी जमा है, एक पुलिस वाले को क्या कहते हैं, शुर्तियन, बहुत अच्छा, शुर्तियन, और नंबर 3 कफा किसकी जमा है, अल्कफ, ना
अकफियतुन, हमजा के ऊपर, अलिफ के ऊपर हमजा, अकफियतुन, अकफियतुन जमाती है कफा, अकफियतुन जमाती है कफा। चलिए सर, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है। क्वेश्चन 15, मैं असलु तजालमु फी कौली ताला, कौली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने ये देखा एक जगह है फला तजालमु, तो इसकी असल क्या है, तजालमु की असल क्या है यहाँ? ना कैसे, ये तो ला तो है, ला के साथ तो ठीक है तजालमु, ये तजालमु हाँ बाबी तफाउल से है, तो वहां एक ता खत्म, एक ता जो है हज़्फ़ हो गई है, ततज़ालमु, ततज़ालमु, वहां हमने पढ़ा कि अगर तफाउल और बाबी तफाउल के हाजिर, जब ये हाजिर के इसमें होते हैं सेगे में, तो वहां से दो ता में से एक ता हज़्फ़ कर दी जाती है। शाबाश, बहुत अच्छा। क्वेश्चन 16 देखिए, युज्मौ आरिन अला उरातिन, आरिन की जमा आती है उरात, अला वज़्नि फुआलतिन, 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 मगर अच्छा इजमाइल असमालाती हाजल जमा, तो इनको भी इसी इसी तरह जमा बनाइए, आरिन जमा उरात, तो माशिन की जमा क्या आएगी? मुआश ना, मुशात, मुशातिन, आरिन की जमात है, अलिफ खत्म हो गया, ये तो रा के बाद आ गया, आरिन उरातिन मुशातिन, काजिन हा के ऊपर पेश लगा दिया, अलिफ को ड्रॉप कर दिया, दाल के ऊपर भी जबर लगा दी और फिर अलिफ वापस लाया, फिर गोलता लगा दी, हुदातिन, रोमिन रोमातिन, रोमातिन, वालिन वुलातिन, गाजिन गुजातिन, हाफिन हुफातिन। बहुत अच्छा, अब ये हमारे पास है भाई, आज आपने नवासिबी फैले मुदारा जो है 4 हरफ है, एक तो है अन, लन, काय और इजन, ये तो आपको पता था, आपको इसके बाद ये पता था कि ये फैले मुदारा को क्या देते हैं, नसब देते हैं, लेकिन आज हमने ये भी देखना है, वही हर्फ अन जो है हर्फ मजदरिया है, ठीक है, यानी ये तो मजदरी माने में इसको लेता है, नस्ब नस्ब तो है ही वास्तिकबाल और इस्तिकबाल के माने में, एक पॉइंट, वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम, अल्लाह ये चाहता है कि वो आप पर मेहरबान हो जाए, लन वही हर्फ नफ़ी, ये हर्फ नफ़ी है, व नस्ब नस्ब भी और इस्तिकबाल, यानी इस्तिकबाल के माने में ही देता है, यानी ये तो फ्यूचर के माने, आई विल नॉट डू इट, लन अफला हादा, जैसे कुरान में قال انك لن تستطيع معي صبرا, तो मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे, ये किसने कहा था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उस खुदा के बंदे ने कहा था, जिसको हम आम रिवायतों में कहते हैं कि उसका नाम ख्वाजे खजर था, लेकिन ख्वाजे खजर का नाम कुरान में नहीं आया है, बहरहाल हमें समझने के लिए ये कहना है, तो उसने ये कहा था हजरत मूसा को कि तुम मेरे साथ सब नहीं कर सकते हो, काई ये भी हर्फ मजदरी है, ये भी हमने पढ़ा, नसब भी, नसब के लिए भी आता है, इस्तिकबाल के लिए भी आता है, काई नुसब्बिह का कसीरा, ताकि हम आपकी बहुत जो है तस्बीह बयान करें, ताकि हम आपकी बहुत तस्बीह करें, काई नुसब्बिह का कसीरा, काई ने नुसब्बिह को ऊपर भी नसब लगा दी और इसको मजदरी माने में ले लिया है, और इस्तकबाल के माने में यानी फ्यूचर के सेंस में ले लिया, ए अल्लाह हमें जो है हमें तौफीक दे दे, ताकि हम आपकी बहुत जो है क्या करें, तस्बीह। नंबर 4 देखिए, इजन जो इस यूनिट में आपने पढ़ा, ये भी आपने पढ़ा कि हरफी जवाब, ये जवाब के माने में आता है, जजा के माने में आता है, नस्बिन और नसब के माने में, नसब तो लगाएगा ही फेल मुदारा को और उसको इस्तकबाल के माने में ले जाएगा। हामिद कहता है साजूरू का गदन इंशाल्लाह, मैं कल इंशाल्लाह आपके पास आऊंगा। खालिद कहता है इजन अंतजरा का, तब तो मैं आपका इंतजार करूंगा, तब तो मैं आपका इंतजार, आप यहाँ या एक बात याद रखिए, इसको आप बिल्कुल इसको अपने जहन में जो है खोद कर रखिए, ये सारे के सारे ये जो है इस्तकबाल के माने में आते हैं, यहाँ इस्तकबाल 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 चारों में सेम है, नसब नसब तो पता ही है, ये तो नसब देते हैं फेले मुजारे को, ये भी पता है हमें, अब इनमें सिर्फ एक है वो है लन, जो नफी के माने में आता है, नेगेटिव, इसको आई विल नॉट डू इट, यानी विल नॉट शैल नॉट के माने में आता है,
باقی سب مصدری معنی میں آتے ہیں. یہاں دیکھو حرف مصدری سوری دو حرف ان اور کائی حرف مصدری میں آتے ہیں. اذن جو ہے یہ تو جواب کے معنی میں آتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں کل آپ کے پاس آؤں گا, میں کہتا ہوں تب تو میں آپ کا انتظار کروں گا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ لوگ آپ تو اگر آپ ایسے چلیں گے آپ پاس نہیں ہو جائیں گے. آپ کہتے ہیں تب تو میں محنت کروں گا. ٹھیک ہے, اب ان کے الگ الگ قاعدے جو ہے تھوڑا تھوڑا ہم نے پڑھے, اور بھی کچھ جو چیزیں ہیں جو رہ گئی وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آگے کسی وقت ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو سیریسلی پڑھیں گے اور ٹھیک ڈیٹیل میں پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. آج کا لیکچر جو ہے ہمارا یہیں پہ ختم ہو جائے گا. اسی کے ساتھ ہمارا لیسن نمبر 25 بھی ختم ہوا. تو اگر اللہ نے چاہا تو کل ہم ان شاء اللہ تعالیٰ لیسن نمبر 26 شروع کریں گے. ٹھیک ہے, ہاں تو کیا نام ہے, ٹھیک ہے ہم یہیں پہ روکتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.